औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। हमारी गुफ्तगू सूरह इन्फितार की तफसीर में। देखिए कुरान मजीद का, इधर देखिए कुरान मजीद का यानी ये सूरह है। इसमें अब अच्छा अब जो है वो जैसे शुरू से चले सूरह नबा, फिर नाज़ियात, फिर आगे जो है वो अबसा और फिर तकवीर, और तकवीर के बाद ये। तो तकवीर में 29 आयतें थी और इसमें जो है वो 19 आयतें हैं, और उससे पहली वाली में यानी अबसा में 42 आयत थी। तो कम हो रही है यहाँ पे ना, ठीक है। तो सूरह इन्फितार में इधर तवज्जो करें, इन्फितार में सूरह इन्फितार जो है वो में भी निशानियां बयान की गई किसकी, कयामत की। तो सूरह तकवीर में 12 निशानियां बयान की, 12 निशानियां बयान करके ये कहा कि इंसान अपने अमल को हाजिर पाएगा। सूरह नाज़ियात में ये कहा कि कयामत के दिन इंसान को याद आ जाएगा क्या क्या उसने किया था, जो वो भूल चुका है, इस दुनिया में गाफिल हो चुका है। तो सूरह इन्फितार में 4 निशानियां बयान की सिर्फ, कि आसमान जो है वो शिगाफ्ता, आसमान पे पहले क्रैक पड़ता है और फिर उसके बाद वो फटता है, शक हो जाता है तो फटेगा, या फटने के मानों में ले लें या क्रैक होगा, तो फटना तो है। इनशक्कत, इन्फितार और इनशकाक, इनका भी ताल्लुक है ना। तो आसमान जो है वो फटेगा और उससे पहले वो दरारें पड़ेंगी, क्रैक होगा, और सितारे जो है वो टूट के बिखर जाएंगे। इंतसरत यानी पहले टूटेंगे फिर बिखर जाएंगे, इंतसरत जो है वो बिखरने के मानों में, और समंदर जो है वो फट पड़ेंगे, और कब्रें जो है वो कब्रें भी फट जाएंगी और उसमें से मुर्दे बाहर निकल आएंगे। बोसरत यानी उल्टी हो जाएंगी, यानी उसका आला असफल आला हो जाएगा, और आला असफल उसको बोलते हैं बोसरत। तो जो कब्रें हैं वो फटेंगी और जो साहिब है उसमें से जिंदा होके निकल बाहर निकल आएंगे। ये 4 निशानियां बयान करने के बाद कहा कि इंसान जान लेगा जो उसने पहले अंजाम दिया था, और जो इस आले सवाब करके उसे भेजा जाएगा, भेजे जाने की जो उम्मीद है वो भी उसे समझ में आ जाएगी। तो मा कद्दमत, कद्दमत यानी जो उसने पहले भेजा, और मा अखरत यानी जो अपने पीछे छोड़ के आया, तो जो सदके जारिया लगाकर आया और जो इस आले सवाब उसकी तरफ से होगा तो वो अखरत में आएगा, और कद्दमत जो है वो जो उसने अंजाम दिया। तो इस सूरे की जो खसूसियत है वो ये खसूसियत है कि इस सूरे में, मसलन सूरह तकवीर में भी ये कहा कि इंसान अपने अमल को हाजिर पाएगा, इस सूरे में भी ये कहा कि इंसान अपने अमल को हाजिर पाएगा। इस सूरे की खसूसियत ये है कि इसमें ये कहा कि हमने इंसान के अमल को महफूज करने के लिए एक डिजिटल सिस्टम कायम किया है। इंसान के अमल को महफूज करने के लिए क्या किया, हमने डिजिटल सिस्टम कायम किया है। रोकना उसको। तो हम बता रहे थे कि इस आयत करीबा में ये बताया कि तुम्हारे जो आमाल हैं उन्हें महफूज करने का एक डिजिटल सिस्टम अल्लाह ताला ने कायम किया, और वो ये किया कि 2 फरिश्ते हर इंसान के ऊपर रखे, एक उसके दाएं तरफ है, एक उसके बाएं तरफ है। जो दाएं तरफ है वो उसकी नेकियां लिख रहा है, और जो बाएं तरफ है वो उसकी बुराइयां लिख रहा है। तो कहा कि तुम्हारे ऊपर हमने हाफिजीन करार दिए, किरामन कातिबीन, किराम जमा है किसकी, करीम की। तो जो वही लेकर के आया था फरिश्ता उसको भी कहा था कि नवल कौल रसूलिन करीम, और तो वो भी करीम था, और जो फरिश्ते हम पर मुकर्रर किए हैं इस दुनिया में वो भी यानी सख्त नहीं है बल्कि क्या है, करीम है। यानी वो देख रहे होते हैं कि ये मसलन रिश्वत ले रहा है, कत्ल कर रहा है, हरकतें कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, वो तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं और नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, और उस तमाम खबासतों के बावजूद जो हम कर रहे होते हैं वो हमें हमारी हेल्प कर रहा होता है,
और हमारी हिफाजत कर रहा होता है। मिसाल के तौर तो अब जैसे मैं सोचता हूँ कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी जो आप चलाते हैं और कोई एक्सीडेंट नहीं होता, तो ये आपकी जहानत है क्या? नहीं, गाड़ी तो आप चला रहे हैं, कोई दूसरा आपको मार देगा। तो ये क्या, अल्लाह ताला ये जो फरिश्ते हैं वो जो है वो बाजफा के इधर हो गया, वो किसी ने यूं कर दिया, तो ये फरिश्ते जो है वो बचाते हैं, हिफाजत करते हैं जब तक के उनकी ड्यूटी होती है मरने तक, मौत तक। जब मौत के फरिश्ते आ जाते हैं तो उनकी ड्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है, फिर वो चेंज करना होता है, फिर वो हट जाएंगे, फिर वो वाले फरिश्ते आएंगे, फिर वो अपना काम करेंगे। तो उनकी ड्यूटी जब तक की है वो किरामन, अल्लाह ताला ने नेमत, जैसे माँ बाप की सूरत में बच्चे को नेमत दी कि बच्चा कुछ भी शरारत करता रहे, तंग करता रहे, रोता रहे, माँ बाप उसका ख्याल भी रखेंगे, उसे प्यार भी करेंगे, उसे तमाम चीज़ें देंगे भी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे किरामन कातिबीन। मुंशी है, जैसे क्लर्क होता है, क्लर्क क्या काम करता है, लिखता है। अकाउंटेंट क्या होता है, वो हिसाब किताब लिखता है, उसे बोलता है अकाउंटेंट। तो जो क्लर्क होता है वो भी मुंशी होता है, लिखे, या स्टेनोग्राफर होता है, या आपने पर्सनल सेक्रेटरी रखी हुई है, जो भी मैं कहूँ वो लिखना है, तो इसका ड्राफ्ट बना के लेके आओ, इसका ड्राफ्ट बना के ले आओ। तो वो हमारे अमल का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारे अमल का क्या कर रहे हैं, ड्राफ्ट बना रहे हैं। तो कहा इंसान जो है वो इन तमाम चीजों से गाफिल है, यानी इंसान अपने अमल से गाफिल है, जो डिजिटल सिस्टम के जरिए से हम महफूज कर रहे हैं, और वो कयामत के दिन वो रिप्रोड्यूस होगा और गवाही देंगे। तो इंसान जो है वो अपनी खिलकत से भी गाफिल है। तो वहां पे, यहाँ पे इस आयत करीमा की खसूसियत ही, इसमें एक आयत आई या अय्युहल इंसान, इंसान से खिताब किया अल्लाह ताला ने। एक मसला ये है कि हम कहते हैं कि यार कुरान को जो है ना ऊपर रखो, बच्चे ना छू लें, मस्जिद में रखो, हिंदू ना छू ले, ईसाई ना छू ले, जबकि कुरान किसके लिए, तमाम इंसानों के लिए, हिदायत के लिए। अब मस्जिद में बंद कर देंगे, इमाम बारगाह में बंद कर देंगे, सिर्फ मुसलमानों को दोगे आप, क्रिश्चियन को नहीं दोगे, यहूदी को नहीं दोगे, तो फिर तबलीग कैसे होगी? तो पहला बैरियर ये तोड़ना होगा कि इंसान, क्योंकि इंसान में खिताब, एक खिताब आया किससे, इंसान से, या अय्युहल इंसान, ए इंसान। तो यहाँ पे खिताब जो है वो मुसलमान से नहीं आया, शिया से नहीं आया, दाढ़ी वाले से नहीं आया, अहले बल्कि अहले किताब से नहीं आया, बल्कि हर तरह का वो शख्स जो इंसान हो, मा गर्रा का बे रब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे धोखा दिया है कि तू अपने रब्बे करीम के बारे में धोखा खाए, माँ कर रखा, किस चीज ने तुझे धोखे में रखा है अपने रब्बे करीम से, रब्बे करीम के बारे में तू धोखा खा गया है, तो किस चीज ने तुझे धोखा दिया? तो जवाब देगा कि शैतान ने उसे कहा था कि अल्लाह माफ कर देगा, बस ठीक है यार, सही, अल्लाह माफ कर देगा, कर लो, देख लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ करने वाला है। माँ कर रखा भी रब करीम, किस चीज ने तुझे रब करीम से धोखे में रखा, रब करीम के करम ने, तो तू गलती में, झूठ में। इसलिए कि जो डिजिटल सिस्टम है आमाल का, वो तो महफूज रहेगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। मगर तो फिर कहा कि इंसान, तो कहा कि मसला ये नहीं है तू रब करीम के करम ने तुझे धोखे में डाल दिया है, और तू रब करीम के बारे में उसके करम का धोखा खा गया है, ये मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि तू आखरत पर, कयामत पर ईमान नहीं रखता। मसला धोखे का नहीं है, मसला ये है कि तू आखिरत पर ईमान नहीं रखता। हमने 12 निशानियां सूरह तकवीर में बयान की, 4 निशानियां यहां बयान की, हर सूरे में हम कयामत की निशानियां और कयामत की चीजें बयान करते चले आ रहे हैं, लेकिन तू ईमान नहीं ला रहा है इनके ऊपर। तो तू अपने, तू कयामत से भी गाफिल है, अपनी खिलकत से भी गाफिल है, किस तरह से तुझे पैदा किया कि मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन शाअ मा शाअ रक्कबक, तुझे जो है वो पैदा किया, फिर तुझे जो बराबर किया,
बराबर करने के बाद जैसे वो टायरों को जो है वो चार गाड़ियों में चारों पहियों को जो है वो लगा देते हैं, जैसे पहिए बदलने होते हैं तो पहिए पुराने पहिए निकाले तो चार पहिए उसमें गाड़ी में लगाए, लगाने के बाद ऐसे ही चलाना थोड़ी शुरू से बैलेंस करते हैं। तो रब्बुल इज्जत ने भी जो है वो बराबर, ये नहीं कि एक कान बड़ा हो गया दूसरा कान छोटा हो गया, तो बराबर से बनाया। बराबर से बना के भी इंसान जो है वो जैसे वो एक जो जिसमें कोई नक्स होता है वो कैसे टेढ़े मेढ़े स्टाइल से चलता है। तो कहा तवाजुन अता किया, तो अल्लज़ी खलक़ का फसवा का बराबर किया, फ़अदलक तवाजुन तुझे अता किया, फी अय्य सूरतिन माशा रकबक जिस सूरत में तुझे चाहा उसमें ढाल दिया। जैसे एक प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला होता है उसके पास सांचे होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को उस मादे को जो चूने वाला और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मादा है उस मादे को जिस सांचे में भी डालो वही शक्ल बनेगी। तो कहा कि हजरत आदम के जमाने से लेकर इस वक्त तक जितने भी इंसान हैं उनमें से जिसकी भी सूरत में चाह तुझे डाल दिया। और ये आप कहें कि तुझे जब इंसान की सूरत में ढाल दिया, अगर अल्लाह ताला चाहता तो परिंदों की सूरत दे देता, जानवरों की सूरत दे देता, किसी और सूरत में तुझे पैदा करता। तो तुझे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन सूरत में ढाला। फिर ये सूरत माशा रखा वक्त, तो ए इंसान तू अपनी क्रिएशन से, अपनी खिलकत से गाफिल है, ए इंसान तू कयामत से गाफिल है, ए इंसान तू जो अमल का डिजिटल सिस्टम हमने कायम किया है तो इससे भी गाफिल है। तो कयामत तो होगी, कयामत तो होगी, क्यों होगी का मसला ये है कि होगी क्यों होगी, क्योंकि इधर देखिए अब उन्होंने कहा कि फिर कल्ला बल तो कज़िबुना बिद्दीन, तुम जो है वो दीन को झुटलाते, दीन यानी जजा यानी सजा और जजा का जो निज़ाम है, यानी कयामत का दिन, कयामत को झुटलाते हो, तो कज़िबुना बिद्दीन यानी कयामत को झुटलाते, वह इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन जबकि तुम्हारे ऊपर जो है वो हिफाजत करने वाले हैं, किरामन कातिबीन जो मुंशी हैं लिखते हैं, मुंशी हैं लेकिन किराम है, करीम मुंशी यानी नर्म, बहुत जो वो बहुत अच्छे क्लर्क्स हैं, बहुत अच्छे वो हैं, तुम्हारे बॉडीगार्ड भी हैं क्लर्क भी हैं, दोनों ड्यूटियां तुम्हारी अंजाम दे रहे हैं और तुम्हारे सारे काम भी कर रहे हैं वो। या लमूना मा तफलून, जो तुम खबासतें या जो नेकियां तुम करते हो उन सब से वो वाकिफ है। तो कहा कि जो नेक लोग हैं वो जन्नत में चले जाएंगे, जो बुरे लोग हैं वो दोजख में। तो इधर देखो, एक दफ़े इमाम खुमैनी ने वहाँ उसमें कहा था कि इन्ना जहन्नमा लमुहीता तुम बिल काफिरीन, दोजख जो है वो काफिरों को मुहित है यानी अहाते में लिए हुए। जैसे एक जो दहशतगर्द हैं वो कहीं चोरी करें, डाका डाकू डाका लगाएं और पुलिस को फोन कर दें और पुलिस उनको घेरे में ले ले और उसे वहां से ऐलान करे तुम्हें 2 मिनट की मोहलत है, अगर 2 मिनट के बाद हथियार नहीं फेंके तो जो है वो फायर शुरू हो जाएगा। सही। तो अल्लाह ताला भी ये कह रहे, दोजख जो है वो तुम्हें अहाते में लिए हुए, इन्ना जहन्नम लमुहीता तुम बिल काफिरीन, ये 2 मिनट की मोहलत है, दुनिया जो है वो क्या है 2 मिनट की मोहलत है, अब ये 2 मिनट की मोहलत खत्म होगी और तुम जो है वो सद्दाम हुसैन इस वक्त दोजख में है, यजीद दोजख में है, अबू लहब दोजख में है, कजाफी दोजख में, क्यों सारे सारे डिक्टेटर्स, हिटलर दोजख में, सारे डिक्टेटर्स फिरौन दोजख में, मारा और सीधे दोजख में ले गए। तो वो दोजख के जो स्पेशल स्क्वाड है मारने वाला वो भी यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी उनकी अमलदारी है, नहीं कि यहाँ पे नहीं है, तो वो मारते हैं यहाँ पे, निशाना लेते हैं मारते हैं, जब मुनासिब वक्त हो जाता है तो मार देते हैं, मार के सीधा ले जाते हैं दूसरा। तो ये उन्हीं की कॉलोनी है, सारी उन्हीं का है, सब अल्लाह ताला का ही है सारा। तो कहा कि इन्नल अब्रार लफी नईम व इन्नल फुजार लफी जहीम यसलौनहा यौमद्दीन, यानी दोजख में फेंक दिए जाएंगे कयामत के दिन, वमा हुम अनहा बेगायबीन, और वो उससे गायब नहीं होंगे कभी भी, यानी आग इनके अपने वजूद से निकल रही है, दोजख में ये पहले भी घिरे हुए थे, तो वहां पे जाके जो है वो
सिर्फ ये हो गया कि तीली लग गई, वहां पे जाके तीली लग गई, जैसे जो डायनामाइट है या जो आतिशगीर मादा है, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को आप तीली दें तो वो भड़क उठेगा, तो वहां जाके तीली लग गई। तो ये तो पहले ही जो है वो ईंधन था सब जलने का। तो कहा कि ये दोजख की आग से अलग होने वाले नहीं है, ये बात यानी नुक्ता उसकी मैं वजाहत की कोशिश करूँ आपसे। इन्नल अब्रार लफी नहीं मिन्नल फुजारा, फुजार को अल्लाह तबतबाई ने कहा कि जो फासिक व फाजिर है, अगर ये इतना फासिक व फाजिर है कि इसका ईमान भी चला गया तो मतलब काफिर में तब्दील हो गया, तो वो दोजख में हमेशा हमेशा रहेंगे। वरना वो फासिक जो तौबा कर ले या वो फासिक जो ईमान अपने साथ ले जाए तो ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। वो पता नहीं होता क्यों, क्योंकि बीबी सैनम ने ये आयत पढ़ी थी यजीद के ऊपर, आसुमा काना आकेबतुल लजीना असा उस्सू आ, यानी जो बार 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 बुराई करता रहे वो आखिर में भी अल्लाह की आयतों को झुठला देता है और अल्लाह को भी झुठला देता है और कयामत को भी झुठला देता है और काफिर बन के इस दुनिया से जाता है। तो जो काफिर हैं वो दोजख में हैं और वो उसको उसमें जो है वो फेंक देंगे, फेंक दिए जाएंगे और वो उससे कभी भी निकलेंगे नहीं। वमा हुम मना बगैबिन, अलग नहीं होंगे। तो वमा अदरा का मा यौमुद्दीन, तो इंसान तुझे कयामत का नहीं पता, तुझे जिस तरह से जो फरिश्ते तेरे आमाल लिख रहे हैं उनका नहीं पता, जो डिजिटल सिस्टम है आमाल का उससे तुझे नहीं पता, तुझे जो है वो अपनी क्रिएशन से तू खिलकत से गाफिल है उसका नहीं पता। तो तू हमारी किताब पढ़, इस कलाम रब्बी को पढ़ ताकि तुझे हिदायत हासिल हो। आखिर में कहा कि मादरा का मयोमिन सुमा मादरा का मयोमुद्दीन, यौमुद्दीन यौम अल्लाह तम ले को नफ सुन ले नफसिन शाही अवल अमरो यौम अज़िल्ला, कैसे बंद करना। उस दिन ला तम ले को नफ सुन ले नफसिन शाही, इस दिन तो आपकी मिल्कियत चल रही है ना, आप मालिक हैं। मैं जो है वो इस सोसाइटी का मालिक हूँ, मैं हजार गज का मालिक हूँ, मैं अपने घर का मालिक हूँ, मैं इतने करोड़ रुपए का मालिक हूँ, मैं इतने सोल्जर्स का मालिक हूँ, मैं इतने गुलामों का मालिक हूँ, मैं इतनी कनीसों का मालिक हूँ। वहाँ पे ये सब मिल्कियत नहीं चलेगी, वहाँ यानी मिल्कियत ज़ीरो है, वहाँ सल्तनत जो दूसरों की सल्तनत जो है वो ज़ीरो है। यानी इंसान अपने जिस्म के ऊपर सल्तनत रखता है या नहीं रखता, अपनी आंखों के ऊपर सल्तनत रखता है या नहीं रखता, अपने अपनी जबान के ऊपर सल्तनत रखता है या नहीं रखता। कयामत के दिन इंसान अपनी आंखों पे भी सल्तनत नहीं रखेगा, अपनी जबान पे भी सल्तनत नहीं रखेगा, उसके आज़ा और जवारे उसके खिलाफ गवाही देंगे, वो उनको जैसा चलाना चाहेगा नहीं चला सकेगा। दुनिया में जैसे चलाता था वहाँ नहीं चला, दुनिया में गाड़ी भी चलाता था, बंगला भी था और सारी चीजें चलती थी, लोगों से लेन देन भी था, मिल्कियतें भी थी और अपने हाथ पांव भी चलाता था, दिमाग भी चलाता था, वहाँ कुछ भी नहीं चला सकेगा। यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, किसी चीज का नफ्स किसी चीज के लिए मालिक नहीं होगा और अम्र और कम